हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू फोटोग्राफी टिप्स हिंदी। और इस वीडियो में हम निकॉन AF-S 200-500mm f/5.6 ED VR लेंस का फुल्ली डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस लेंस का स्पेसिफिकेशन, कॉम्पेटिबिलिटी, फिजिकल ओवरव्यू और बिल्ड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, फोकस, वियर और भी बहुत कुछ बहुत ही डिटेल में प्रैक्टिकली डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और इसलिए मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में वीडियो के कंटेंट वाइज टाइम स्टैम्प का लिंक दे दिया है, और आप वहां पे जाके उस टाइम के ऊपर क्लिक करके बहुत ही आसानी से कंटेंट वाइज वीडियो को किसी भी जगह पे स्किप या जंप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड स्पेसिफिकेशन। दोस्तों, निकॉन AF-S 200-500mm f/5.6 ED VR निकॉन का बजट FX और DX कॉम्पेटेबल 2.5X सुपर टेलीफोटो लेंस है, जिसको निकॉन ने इंट्रोड्यूस किया था 2015 में। तो यहाँ पे AF-S का मतलब ऑटो फोकस विथ साइलेंट वेव मोटर, 200-500mm इस लेंस का फोकल लेंथ रेंज, जो कि आपका DX यानी कि क्रॉप सेंसर बॉडी के साथ आपको 300-750mm का फील्ड ऑफ व्यू या इफेक्टिव फोकल लेंथ देता है, जो कि वाइल्ड लाइफ या बर्डिंग के लिए बहुत ही बढ़िया फोकल लेंथ रेंज होता है। तो चलिए दोस्तों, इस लेंस का फील्ड ऑफ व्यू या टेलीफोटो रीच का थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों, अभी आप स्क्रीन में जो व्यू देख रहे हैं वो एक DX बॉडी में निकॉन 18-55mm लेंस का 18mm का व्यू है। अब मैं इसी कैमरा में निकॉन 200-500mm लेंस को लगा के इस पॉइंट में जूम करूंगा। तो दोस्तों, अब आप जो व्यू देख रहे हैं वो निकॉन 200-500mm लेंस का 200mm का व्यू है। इसके बाद मैंने जूम किया 300mm में, इसके बाद 400mm में, और फाइनली यहाँ पे 500mm में। तो दोस्तों, आई थिंक यहाँ पे आपको टेलीफोटो रीच का थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका होगा। दोस्तों, इस लेंस का मिनिमम फोकस डिस्टेंस 7.2 फीट है, जो की एक टेलीफोटो लेंस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे इस लेंस का जो एंगल ऑफ व्यू है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे f/5.6, जो कि इस लेंस का और एक खास बात है, मतलब इस लेंस में आपको 200 से लेके 500mm तक फिक्स मैक्सिमम एपर्चर f/5.6 मिलता है, जो कि लो लाइट कंडीशन में आपको थोड़ा बहुत एडवांटेज देता है। और यहाँ पे f/32 इस लेंस का मिनिमम एपर्चर है। तो यहाँ पे E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डायफ्राम, यहाँ पे ED का मतलब एक्स्ट्रा लो डिस्पर्शन ग्लास, और यहाँ पे VR मतलब निकॉन का वाइब्रेशन रिडक्शन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो ED, VR, AF-S, IF, ये जो इस लेंस रिलेटेड टर्म्स है वो मैं इस वीडियो का कंस्ट्रक्शन और बिल्ड क्वालिटी पार्ट में डिटेल में डिस्कस करूंगा। कॉम्पेटिबिलिटी। तो दोस्तों, अब अगर लेंस का कॉम्पेटिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे ये निकॉन AF-S 200-500mm लेंस निकॉन के सारे मॉडर्न DX और FX कैमरा के साथ कॉम्पेटेबल है। मगर दोस्तों, यहाँ पे निकॉन का 2007 से भी पहले रिलीज हुआ जो DSLR है, जैसे कि D40, D90, इन सभी DSLR निकॉन का E टाइप का लेंस का एपर्चर को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल नहीं कर पाता है। और यहाँ पे ये निकॉन 200-500mm एक E टाइप का लेंस है, और इसलिए अगर आप ऐसा कोई निकॉन बॉडी यूज करते हैं जो कि 2007 से भी पहले रिलीज हुआ है, तो आप यहाँ पे एपर्चर को चेंज नहीं कर पाएंगे या एपस्टॉप नंबर को ज्यादा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एपस्टॉप 5.6 में ही फिक्स रहेगा। कंस्ट्रक्शन एंड लेंस ऑप्टिक्स। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे पहले लेंस एलिमेंट्स की बात करें तो इस लेंस में आपको 12 ग्रुप्स में 19 एलिमेंट्स देखने को मिलता है। इन सारे ग्लास एलिमेंट्स में यहाँ पे आपको 3 ED मतलब एक्स्ट्रा लो डिस्पर्शन ग्लास देखने को मिलेगा, जो कि यूज होता है लाइट की क्रोमेटिक एब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए। यहाँ पे अगर इस लेंस का एपर्चर ब्लेड की बात करें तो यहाँ पे आपको 9 राउंडेड एपर्चर ब्लेड मिलता है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा, ये निकॉन का ई टाइप का लेंस है, और इसलिए यहाँ पे कैमरा के बॉडी का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से इलेक्ट्रॉनिकली एपर्चर ब्लेड यहाँ पे कंट्रोल होता है, और जिसके लिए आपको बहुत ही स्मूथ और एक्यूरेट एपर्चर कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसका मतलब निकॉन के प्रीवियस D और G टाइप का लेंस में जो एपर्चर ब्लेड का मैकेनिकल लिंकेज रहता था, वो यहाँ पे आपको E टाइप का लेंस में देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों, ये निकॉन का IF लेंस है, यहाँ पे IF का मतलब इंटरनल फोकसिंग। तो इस टाइप का लेंस में ऑटो फोकस करने के टाइम जो लेंस एलिमेंट का मूवमेंट होता है वो लेंस बैरल के अंदर ही होता है, मतलब फोकस करने के टाइम लेंस का आउटर लेंस बैरल का रोटेशन या कोई मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और इस टाइप का लेंस बहुत ही कॉम्पैक्ट, लाइट वेट, फ्लेक्सिबल, और यहाँ पे मिनिमम फोकस डिस्टेंस भी जनरली कम होता है।
फिजिकल ओवरव्यू एंड बिल्ड क्वालिटी। तो दोस्तों पहले अगर यहाँ पे लेंस के बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे लेंस का मोस्ट ऑफ द पार्ट हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है जो कि बहुत ही सॉलिड फील्स देता है। यहाँ पे अगर इस लेंस का वेट की बात करें तो विथ ट्राइपॉड कलर लेंस का वेट है 2300 ग्राम जो कि यहाँ पे ठीक ठाक है एक टेलीफोटो लेंस के हिसाब से। अगर यहाँ पे वेट का कंपेयर किया जाए तो सेम कैटेगरी का सिग्मा 150-600 mm कंटेम्पररी या टैमरन 150-600 mm का वेट यहाँ पे इससे थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे अगर लेंस की फुल लेंथ की बात करें तो लेंस हुड को लगा के 500 mm में लेंस का अप्रोक्स लेंथ है 440 mm या 17.5 इंच। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लेंथ के हिसाब से ये निकॉन का AF 70-300 mm लेंस और AF P 70-300 mm लेंस से ये कितना बड़ा है। अगर लेंस का फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो बाकी टेलीफोटो लेंस की तरह इस लेंस का फ्रंट पार्ट का डायमीटर बहुत ही बड़ा है और आप इससे एक 95 mm यूवी फिल्टर से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ अच्छे क्वालिटी का 95 mm यूवी फिल्टर का अमेजोन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप चाहे तो वहां पे जाके खरीद सकते हैं। यहाँ पे लेंस के साथ आपको मिलता है निकॉन का ओरिजिनल निकॉन HB 71 लेंस हुड जो कि प्लास्टिक से बना हुआ है और एवरेज क्वालिटी का है। तो दोस्तों यहाँ पे इस लेंस हुड को लगाने के टाइम आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये ठीक ठाक से लॉक हुआ है कि नहीं। अगर आप इसको ठीक ठाक से नहीं लगाते हैं या लॉक नहीं करते हैं तो ये गिर सकता है। अगर आप इसको खो देते हैं या टूट जाता है तो इसको रिप्लेस कराने में आपको ऑलमोस्ट $50-55 तक लग सकता है। तो मैंने निकॉन का इस ओरिजिनल लेंस हुड के अमेजोन लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए है। दोस्तों इसके बाद लेंस के ऊपर आपको मिलता है ये जूम रिंग जो कि काफी स्मूथ है और बेसिकली प्लास्टिक कवर्ड रबर से बना हुआ है। यहाँ पे लेंस को 200 से 500 तक ले जाने पे आपको इस जूम रिंग को ऑलमोस्ट 180 डिग्री या आपके हाथ को ऑलमोस्ट 2 बार ट्विस्ट करना पड़ता है और इसलिए हैंड हेल्ड सिचुएशन में आप जब कोई सब्जेक्ट को 200 mm में फ्रेम करते हैं और उसके बाद उसको 500 तक ले जाते हैं तो कैमरा शेक होने के वजह से आपको फिर से 500 mm में आपको रीफ्रेम करना पड़ सकता है। यहाँ पे इस जूम रिंग को 200 mm में लॉक करने के लिए एक लॉक स्विच भी दिया हुआ है, मगर आप अगर इसको लॉक भी नहीं करते तो यहाँ पे मुझे लेंस क्रीप नजर नहीं आया। तो यहाँ पे ओवरऑल जूमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ एंड प्रीसियस है। यहाँ पे जूम रिंग की तरह मैनुअल फोकस रिंग भी प्लास्टिक प्लस रबर से बना हुआ है और जो कि थोड़ा ज्यादा ही स्मूथ है। और यहाँ पे मैनुअल फोकस रिंग का जो खास बात है, ये लेंस मैनुअल फोकस ओवरराइड को अलाउ करता है। यहाँ पे दोस्तों इस लेंस के मैनुअल फोकस रिंग के साइड में आपको 4 स्विच देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्विच आपको देखने को मिलेगा वो है M/A और M। तो अगर आप लेंस को M/A में सेट करते हो तो लेंस ऑटो फोकस करेगा और यहाँ पे ऑटो फोकस के साथ साथ आप मैनुअल फोकस भी कर सकते हैं क्योंकि ये लेंस मैनुअल फोकस ओवरराइड को अलाउ करता है। और अगर आप लेंस को M में सेट करते हो तो यहाँ पे लेंस ऑटो फोकस करना बंद कर देगा और आपको यहाँ पे सिर्फ मैनुअल फोकस करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बाद जो आपको सेकेंड स्विच देखने को मिलेगा उसको यूज करके आप फुल और मीटर टू इन्फिनिटी में स्विच कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फोकस लिमिटर है। तो यहाँ पे फुल मतलब नॉर्मल मोड है, यानी कि इस मोड में आप लेंस का मिनिमम फोकस डिस्टेंस से इन्फिनिटी तक फोकस कर सकते हैं और अगर आपके सब्जेक्ट 6 मीटर या उससे भी ज्यादा दूर है तो आप यहाँ पे इसको 6 मीटर टू इन्फिनिटी में सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो थर्ड स्विच देखने को मिलेगा वो वाइब्रेशन रिडक्शन ऑन ऑफ स्विच है और इसके बाद आपको जो फोर्थ स्विच यहाँ पे देखने को मिलेगा वो नॉर्मल और स्पोर्ट्स में से आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली स्टैटिक या स्टेडी सब्जेक्ट के लिए आप नॉर्मल मोड में शूट कर सकते हैं और जनरली आप जब कोई फ्लाइंग बर्ड को शूट करते हैं या कोई रैपिडली मूविंग सब्जेक्ट को शूट करते हैं तो उस टाइम आप यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड में व्यू फाइंडर में बहुत ही स्मूथ मोशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस लेंस के साथ आपको मिलता है एक मेटल का रिमूवेबल ट्राइपॉड कॉलर। तो इसको रिमूव करने के लिए ट्राइपॉड कॉलर का जो लॉक नॉब है उसको पहले लूज कर लीजिए और उसके बाद कॉलर को रोटेट करके कॉलर में जो डाउन मार्क्ड एरो है उसको लेंस का 200-500 mm का जो नीचे व्हाइट मार्क्ड है वहां पे ले जाइए और आप इस टाइम आसानी से कॉलर को लेंस से रिमूव कर पाएंगे। और यहाँ पे फिर से कॉलर को लेंस में लगाने के टाइम इसी जगह पे कॉलर को लेंस से लगा के ट्राइपॉड कॉलर को रोटेट करके जब लेंस का सारे व्हाइट डॉट्स कॉलर के सारे व्हाइट डॉट्स के साथ मिल जाते हैं तब आप ट्राइपॉड कॉलर के लॉक नॉब को टाइट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे निकॉन 200-500 mm लेंस का और एक जो
डिसएडवांटेज है यहाँ पे, ये लेंस टोटली वेदर सील्ड नहीं है, मगर दोस्तों यहाँ पे लेंस के फ्रंट पार्ट में और एकदम बैक पोर्शन में रबराइज सीलिंग यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि लेंस को डस्ट, वाटर ड्रॉप या मॉइस्चर से थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ लेंस कवर का अमेजोन लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, और एक फोकस डिस्टेंस इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो इस लेंस का माउंट है वो आपको यहाँ पे मेटल माउंट देखने को मिलता है। वाइब्रेशन रिडक्शन, तो दोस्तों अगर आप इस लेंस का वीआर या वाइब्रेशन रिडक्शन की बात करें, तो यहाँ पे इस लेंस में आपको 4.5 स्टॉप ऑफ वाइब्रेशन रिडक्शन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है हैंड हेल्ड सिचुएशन में और स्पेशली लो लाइट में या स्लो शटर स्पीड में। दोस्तों एक टेलीफोटो लेंस में अच्छा वाइब्रेशन रिडक्शन होना बहुत ही जरूरी है, और इस मामले में ये लेंस भी बहुत ही बढ़िया है, और आपको बहुत ही आसानी से हैंड हेल्ड सिचुएशन में या स्लो शटर स्पीड में या लो लाइट में को बहुत ही बढ़िया शेक फ्री शार्प इमेज आपको मिल जाएगा। ऑटो फोकस, तो दोस्तों अब अगर लेंस का ऑटो फोकस परफॉर्मेंस की बात करें, तो इस लेंस का ऑटो फोकस सिस्टम को कंट्रोल करता है निकॉन का साइलेंट वेव मोटर टेक्नोलॉजी। तो अगर यहाँ पे पहले ऑटो फोकस स्पीड की बात करें, तो ये लेंस काफी फास्ट है फॉर शूटिंग मूविंग सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे 200 से लेके 500 mm तक पूरे फोकल लेंथ में मुझे कोई और फोकस स्पीड का चेंज नज़र नहीं आया। दोस्तों इससे पहले मैंने सिग्मा 150 टू 600 mm कंटेम्पोररी और टैमरॉन 150 टू 600 mm G1 को यूज़ किया था, और यहाँ पे ऑटो फोकस स्पीड यहाँ पे निकॉन 200 टू 500 mm में मुझे उन दोनों लेंस से भी बेहतर या फर्स्ट महसूस हुआ। पर दोस्तों यहाँ पे निकॉन 200 टू 500 mm का ऑटो फोकस स्पीड निकॉन का हाई प्राइस टेलीफोटो प्राइम या जूम लेंस के तरह उतना फर्स्ट नहीं है। यहाँ पे अगर ऑटो फोकस एक्यूरेसी की बात करें, तो इस लेंस पे ऑटो फोकस एक्यूरेसी भी बहुत ही तारीफ करने लायक है। यहाँ पे थ्रू आउट फोकल लेंथ में आपको बहुत ही बढ़िया ऑटो फोकस एक्यूरेसी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ओवरऑल मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ लाइटिंग कंडीशन में शूटिंग करने के टाइम, ऑलमोस्ट 95% ऑफ द टाइम मुझे परफेक्टली फोकस्ड शॉट यहाँ पे इस लेंस के साथ मिल जाता है। और यहाँ पे जैसे कि ये लेंस बहुत ही लो लाइट सिचुएशन के लिए नहीं है, तो लो लाइट कंडीशन में या आप कोई क्लोज सब्जेक्ट से अगर दूर का सब्जेक्ट को फोकस करने जाते हैं, तो उस टाइम लेंस थोड़ा बहुत हंट करता है। पर दोस्तों यहाँ पे ऑटो फोकस कैमरा के बॉडी या ऑटो फोकस पॉइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, पर मैंने बेसिकली इस लेंस को ट्राई किया है निकॉन D7000 में और निकॉन D5600 में, जिसका बस 39 एफ पॉइंट्स है। तो डेफिनेटली जब आप इस लेंस को निकॉन D500 या निकॉन D850 में ट्राई करेंगे, तो आपको और भी बेहतर ऑटोफोकस परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इमेज क्वालिटी, तो दोस्तों आप बात करते हैं एक लेंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इमेज क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पे अगर शार्पनेस की बात करें, तो इस लेंस से आपको बहुत ही बढ़िया शार्पनेस ऑफ इमेजेस मिलता है थ्रू आउट ऑल फोकल लेंथ एंड एफ स्टॉप्स। यहाँ पे 500 mm में F5.6 में आपको थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल सकता है, मगर वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए ज़्यादा फिकर करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप कुछ सैंपल्स देख सकते हैं जो कि मैंने ज़्यादातर लिया था एपर्चर F5.6 में, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फोटोज में आप आईज और फेदर का बहुत ही बढ़िया डिटेल आपको यहाँ पे इस इमेजेस में देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके MTF चार्ट भी देख सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि MTF चार्ट कैसे देखते हैं, तो मैं MTF चार्ट कैसे रीड करता है उसके ऊपर अलग सा वीडियो बाद में बनाऊंगा। इस लेंस में आपको निकॉन का नैनो क्रिस्टल कोटिंग देखने को नहीं मिलता है, फिर भी डायरेक्ट सनलाइट में विदाउट लेंस हुड मुझे इमेज में ज़्यादा कोई फ्लेयर या रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आया। फिर भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑलवेज लेंस हुड को यूज़ करें जब आप कोई हेवी सनलाइट सिचुएशन में शूट कर रहे हैं तब। अगर यहाँ पे लेंस डिस्टॉर्शन की बात करें, तो यहाँ पे टेलीफोटो लेंस में डिस्टॉर्शन ज़्यादा इश्यूज वाली बात नहीं है, इमेजेस में थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन आप नॉर्मली नोटिस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर क्रोमेटिक एब्रेशन की बात करें, तो लेंस में क्रोमेटिक एब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए 3 एक्स्ट्रा लो डिस्पर्शन ग्लास दिया हुआ है, फिर भी यहाँ पे 500 mm का कुछ इमेजेस में मुझे थोड़ा बहुत क्रोमेटिक एब्रेशन देखने को मिला। तो दोस्तों ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी के मामले में इस बजट में ये लेंस बहुत ही इम्प्रेसिव रिजल्ट आपको देता है, और अगर आप इमेज का और भी ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स चाहते हैं, तो मैंने कुछ साइट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप
आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे टेलीकॉन्वर्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने अभी तक इस लेंस के साथ कोई टेलीकॉन्वर्टर यूज नहीं किया हूँ, पर जल्दी मैं उसको टेलीकॉन्वर्टर के साथ यूज करके उसका अलग सा वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। प्राइस, तो दोस्तों अब अगर लेंस का प्राइस पॉइंट की बात करें तो ऑनलाइन में ज़्यादातर लेंस का प्राइस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो आज के डेट में ये लेंस आपको ऑनलाइन में 80,000 से 90,000 के अंदर मिल जाता है। तो मैंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप ये लेंस लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन में खरीदने से पहले ऑफलाइन में प्राइस चेक कर लीजिए और आपको जहाँ पे कम प्राइस में मिलता है वहाँ से ये लेंस ले लीजिए। माई ओपिनियन, तो दोस्तों ऑलरेडी वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो अगर आपका वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या बर्डिंग का शौक है या आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं और आपका बजट 80,000 से 1 लाख तक है और ऑब्वियसली अगर आप निकॉन के यूज़र है तो आपको डेफिनेटली ये लेंस लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे सेम कैटेगरी का थर्ड पार्टी ब्रांड का लेंसेस जैसे कि यहाँ पे सिग्मा और टैमरॉन 150-600 mm लेंस के हिसाब से यहाँ पे मैं निकॉन 200-500 mm लेंस को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि बेसिकली निकॉन के बॉडी के साथ निकॉन का लेंस का कॉम्पेटिबिलिटी बहुत ही बेहतर होता है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए निकॉन का लेंस थर्ड पार्टी ब्रांड का लेंसेस से ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम निकॉन के लेंसेस में आपको पिक्चर क्वालिटी या शार्पनेस या फोकसिंग क्वालिटी बेहतर देखने को मिलता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर लीजिए और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।